स्थलीय शहरों के बीचों बीच बनाई गई एचडी और झांसी के रानी मार्केट की करीबन 5 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रशासन की जांच में सरकारी मिली है। सीओ, तहसीलदार सदर और डीआईओएस से कार्रवाई की गई। जांच के बाद वहीं बता दें कि डीएम और सीबी सिंह एचडी कॉलेज एसोसिएशन को नोटिस जारी किया गया था, जवाब नहीं देने पर संपत्ति 1 सप्ताह में नगर पालिका में स्वेत निहित हो जाएगी। प्राइम के न्यूज शनि के लिए खास रिपोर्ट। सर, एक 5,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर नोटिस जारी किया गया है, कुछ लोगों ने अपने पक्ष में रखा, क्या नोटिस है और किस तरह की? देखिए, ये मेरे जानकारी में आया है कि जो एसडी कॉलेज है उसको जहाँ पे मार्केट बना हुआ है वो ज़मीन कभी 40-20 साल के लिए इनको लीज पे दी गई थी 1 रुपये पे, वो भी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए, परंतु वहाँ पे शैक्षणिक गतिविधियाँ ना करके उसको व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके सबूत हैं और नगर पालिका में हाउस टैक्स भी उसके जमा हुए हैं। जबकि लीज की शर्तों में बड़ा स्पष्ट उल्लेख है कि अगर कोई भी व्यक्ति शैक्षणिक इससे इतर जो है अगर इसका इस्तेमाल करेगा तो ये लीज स्वतः समाप्त हो जाएगी और पक्षकार इसमें न्यायालय में भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो इतनी बड़ी संपत्ति सरकार की जो कि नजूल है अभिलेखों में, उस पर एक व्यक्ति ने अनाधिकृत रूप से कब्जा करके और बहुत सारी दुकानें बना करके बहुत सारे लोगों को दे दिया है, तो उसी का नोटिस दिया गया है। 1 सप्ताह का समय दिया गया, 1 सप्ताह बाद नगर पालिका अभिलेखों में वो संपत्ति नगर पालिका की नजूल की ज़मीन है जो पूर्णतः सरकारी ज़मीन है, और इस मामले में शासन को भी विधिवत अवगत करा दिया गया है और नगर पालिका अपनी ज़मीन पर कब्जा लेगी। रही बात दुकानों की, तो दुकानदार अगर इस बात के लिए तैयार होंगे, उनका व्यवस्थापन किया जाए, तो नगर पालिका के इसमें अप्लाई करने के बाद नियमानुसार नगर पालिका अपने स्तर से इसमें कार्रवाई करे। सर, आपके द्वारा किस तरह से किस स्तर से जांच कराई गई? मैंने एक 3 सदस्यीय कमेटी इसमें बनाई थी, एसडीएम एडीएमई की अध्यक्षता में, जिसमें डीआईओएस भी थे, जिसमें तहसीलदार भी थे। उन्होंने परीक्षण किया समस्त अभिलेखों को, जिसके जो इसका जो सोसाइटी या ट्रस्ट है उसके जो लोग हैं, जो मैनेजर हैं, उनको भी बुला करके पूछा गया, वो कोई अभिलेख इसमें दिखा नहीं पाए, ना उनके पास कोई अभिलेख है इसका इस संबंध में। तो उसके बाद सम्यक जांच के उपरांत जो है बाकायदे सारे कानूनी पक्षों का को देखते हुए इसका नोटिस जारी किया गया और 1 सप्ताह का इसमें समय दिया गया। लगभग कितने कीमत की सर जमीन? 5,000 करोड़ बताया, तो जो सरकारी मूल्यांकन है आज की तारीख में उसमें 5,000 करोड़ की जमीन है।